करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं तारागढ़ पहाड़ घूमने के लिए, एंड काफ़ी अच्छा लोकेशन है वहाँ पर। कभी मतलब गए नहीं, पहली बार जा रहे हैं। साथ में इरफान भी है और शरीफ भाई भी है, और ये मोइनुद्दीन भाई अभी खाना खाने के लिए जा रहे हैं, एंड खाना खा के वापस आ जाएंगे, और हम तीनों जाएंगे अभी तारागढ़ पहाड़ में। तो चलिए आप लोगों को भी दिखाते हैं, काफ़ी अच्छी लोकेशन है। लेकिन इरफान भाई कितना बार गया है वहाँ पर? एक बार गया है, और हम लोग कभी नहीं गए, हम लोग फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। तो चल के देखते हैं किस तरह से है, और आप लोग को भी दिखाते, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। तो बस बहुत ज़्यादा भीड़ है बाजार में, काफ़ी ज़्यादा एकदम गलियों में, देख सकते हो आप भी आगे पीछे बहुत ही ज़्यादा है, इतना ज़्यादा भीड़ है कि कुछ पूछने की बात ही नहीं है। हाँ तो गाइस हम लोग अभी जो है पहाड़ चढ़ रहे हैं, सीढ़ियों में काफ़ी ज़्यादा थकावट लग रही है, और काफ़ी ज़्यादा ऊंची जगह। खैर अच्छा ये है कि जो सीढ़ी बना हुआ है ना, तो मतलब अच्छा लग रहा है, नहीं तो अगर सीढ़ी बना हुआ नहीं रहता ना तो आदमी परेशान हो जाता, आदमी चढ़ता भी नहीं, इतना दिक्कत होती है। तो अभी हम लोग धीरे धीरे आराम आराम से जा रहे हैं ताकि थके ना। अब चलिए आप लोग को ऊपर चढ़ के मतलब वहाँ के नज़ारे दिखाते हैं फिर। तो वैसे यहाँ पर देख सकते हो पीछे का लोकेशन, अभी हम लोग जो है आधा भी नहीं चढ़े हैं और शरीफ भाई परेशान हो चुके हैं। गजब बेइज्जती है। पीछे का नज़ारा आप लोग देख सकते हो यहाँ का, परेशान नहीं हुआ है। तो गाइस हम लोग जो है अभी पहुंचने वाले हैं, और बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं, सब परेशान हो चुके हैं। अब धीरे धीरे आराम आराम से जाना है, और फिर अभी ऊपर चढ़ने हम लोग को। वो देख सकते हो आप लोग पीछे जो टावर दिख रहा है ना आप लोग को, अरे नहीं दिख रहा होगा, वाइट दिख रहा पूरा बैकग्राउंड वहाँ पर ऊपर में। चलो आप लोग को चल के दिखाते हैं, ऊपर से दिखाते हैं आप लोगों को, वाइट दिख रहा ना बैकग्राउंड में, इसीलिए धूप है। बस ये वाला पहाड़ जो दिख रहा है अभी, इस पे चढ़ने हम लोग को ऊपर, सामने जो छोटी सी टावर दिख रही है ना आप लोग को यहाँ पे, वही टावर आप लोग को बोल रहे थे। काफी मस्त मतलब व्यू है, एकदम काफी मस्त लग रहा है, नेचुरल ग्रीन। क्या सर भाई पूरा परेशान हो चुका है क्या चढ़ते चढ़ते? अभी तो परेशान कहाँ हूँ, जो परेशान हुए थे पहले ही। हाँ अभी परेशान नहीं है, लेकिन काफ़ी मस्त नेचुरल है गाइस, देख सकते हो आप लोग ये पहाड़ है, और ये नीचे तरफ का सीन है यहाँ पर देख सकते हो, वो आना सागर दिख रहा है, जो दिख रहा है आप लोग को ना वो पीछे, वो आना सागर है, काफ़ी मस्त व्यू दिख रहा है यहाँ से। तो चलो चलते आगे और फिर आप लोग को आगे का नज़ारा दिखाते हैं। ये देख सकते हो गाइस नज़ारा, देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है, नेचुरल ब्रिज। क्या अरे भाई मज़ा आ रहा, व्यू आ रहा है, मज़ा बिल्कुल, इसको तो पूरा मजा आ रहा है, थक जा रहा है, एक बार थोड़ा देर खड़ा हो रहा है ऐसे करके, हवा चल रहा है ना तो पूरा बदन से एकदम काफी मजा आ रहा है। इरफान भाई पीछे से वो स्टैंड लेके घूम रहा है, कैमरा कर रहा है, अपना वीडियो बना रहा है, और काफी मस्त लग रहा है यहाँ पर, बिल्कुल हवा भी लग रहा है, और सीन काफी मस्त है, देख सकते आप लोग। फाइनली हम लोग थोड़ा सा ऊपर पहुंचे, बस और थोड़ा सा कुछ बाकी है, पहुंच जाएंगे। ये वाली पहाड़ जो दिख रहा है ना, ये वाला काफ़ी मस्त लग रहा है देखने में, बहुत ही मस्त दिख रहा है सामने से, ये देख सकते हो आप लोग। तो गाइस हम लोग ऊपर चढ़ते चढ़ते यहाँ पर दो भाई मिल गए हैं, साथ में है, कहाँ से हो भाई आप लोग? अलवर से राजस्थान से ना? राजस्थान से ही है। आपका नाम नहीं बताएं? सागिर खान। आपका भाई? आगे चलो। सो गाइस यहाँ पर, यहाँ से मतलब अब थोड़ी सी ऊपर जानी हम लोगों को, एंड यहाँ पर दो भाई मिल गए थे, उन लोगों ने बोल था कि मुझे ब्लॉग पे ले लो, बोले चलो ठीक है आ जा, तो उन लोगों के ले लिया, राजस्थान के थे, यहीं के थे उन लोग। तो चलो गाइस अब आगे चलते हम लोग, और कुछ हो सके तो पापड़ ले लेते खाने के लिए, मुँह थोड़ा चलना चाहिए ना, जितना पाँव चलना चाहिए उतना मुँह भी चलना चाहिए। चलो हाँ अब आप लोग को ब्लैक हॉर्स दिखाने वाले हैं, काफी मस्त ये देख सकते हो सामने ब्लैक हॉर्स। मस्त है, पूरा शांत से खड़ा हुआ है। चलो आगे चलो।
सामने ऊंट ऊंट है, ऊंट भी आप लोगों को दिखाने वाले हैं। दुल्हन की तरह सजाया हुआ है ऊंट। ये देख सकते हो सामने, ये देखो ऊंट सामने, इसके नींद को परे पेड़ है, नींद को रहा। व्हाइट वाला घोड़ा रहा, इस पे आप चढ़ के फोटो ले सकते हैं। दो है, दो घोड़े हैं, आपको सिर्फ दो घोड़े हैं, देख सकते हो आप लोग, दो घोड़े हैं। सो गाइस यहाँ पर जो है ना अजमेर का नज़ारा, बिल्कुल पूरा अजमेर शहर यहाँ से दिख रहा है और काफी मस्त लग रहा है देखने में। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, वो जो है अना सागर है। इधर घूम के यार वीडियो भी नहीं कर पा रहा हूँ, सीधे धूप जो है ना आँख पे मार रही है। आप लोग को वीडियो देख के पता चल गया, इधर से जब घूम रहे तो चेहरा कितना ज्यादा साफ हो जा रहा है, और इधर थोड़ा सा ये हो जा रहा है, देख सकते हो आप लोग लाइट मार रहा है। चलो अभी और जाना बाकी है। गाइस हम स्मार्ट दिख रहे हैं क्या? मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। अपने कादरी भाई स्मार्ट हो गया, सही बता, बहुत ही स्मार्ट हो गया भाई। जल्दी से लड़की एक दो ढूंढो, इसकी शादी करा दो। चुप कर बे कुत्ते, तुम लोग कर लेना, मैं नहीं करने वाला हूँ। हाँ। अरे यार कितना लंबा रास्ता, जाते जाते थक चुका हूँ, रास्ते नहीं खत्म हो रहा है, ऊपर चलते रहो। ये रहा गाइस सामने मजार, यही वाला पहाड़ पे मतलब यही मजार शरीफ है। अभी जा रहे हैं हम लोग मजार शरीफ के अंदर, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, बहुत ही मस्त है दिख रहा है। ये जो है बड़ा गेट है, ये वजू खाना है। सो गाइस यही है मजार शरीफ जो बोले थे आप लोग को, अंदर में मजार शरीफ है, यही मजार शरीफ है, आप लोग देख सकते हो काफी खूबसूरत लग रहा है देखने में, बहुत ही मस्त है। तो गाइस हम लोग जो है मजार शरीफ के अंदर से निकल चुके हैं ज़ियारत करके, आप लोग देख सकते हो यहाँ से अभी हमें उतरना है। ये व्यू देखो, मजा आ रहा ना गाइस देखने में, मजा आ रहा ना फोन में, आंख क्या बोलता है सूरज आंख में मार रहा है, सीधे आंख मार रहा है कादरी भाई सूरज को, आंख मार रहे हैं सूरज को, देखो कैसे मार रहे हैं। तो गाइस यहाँ का व्यू देख सकते हो आप लोग, काफी मस्त दिख रहा है यहाँ का नजारा। ये दीवार यहाँ से देख सकते हो कितना मस्त लग रहा है। तो गाइस चलो पूरा घूम लिया हम लोग, एंड ऊपर भी मजार शरीफ तरफ पूरा घूम लिया, और काफी अच्छा मतलब इतना मस्त है ना। ये देख सकते हो वहाँ का दीवार, वही मेन गेट है। हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय न्यू एडिटिंग वीडियो बेबी। मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। ये बादल देखो गाइस कितना मस्त लग रहा है यहाँ, सनसेट हो रहा है यहाँ पे तो। हाँ ये देख, ये कितना मस्त लग रहा है, कहाँ गया वो? इधर छुरुकुदू कर रहा है। ये देख सकते हो गाइस ऊंट कितना मस्त दिख रहा है, देख सकते हो आप लोग कितने आराम से बैठे हैं लोग। यहाँ पे है, वहाँ पे है, गांधी जी के तीन मंदिर यहीं पे बैठे हैं। अरे यार कितने बच्चे हैं इनके, बहुत है देखो। अबे नीचे भी है, चेयर में बैठा हुआ है, ऊपर भी बैठा है, देखो यहाँ पे भी है, दो इधर देख, इधर देख, इधर भी है, काफी बच्चे हैं। अरे बाप रे, कौन से रास्ते में आ गए हम लोग, बस हवा निकल गई गाइस, आराम से दोस्त। शांति से निकल रहे हैं, अगर पकड़ लिया ना, डर लग रहा है बहुत मुझे तो, खोचे में सीधा देगा ये। इरफान भाई काफी डर गया, पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा, आ रहा है क्या, आ रहा है क्या।
गाइस काफी डर लग रहा था क्योंकि बहुत ही ज्यादा बंदर था, कम से कम बहुत क्लोज था। हाँ, बहुत क्लोज था एकदम सामने, और ये मरते है बहुत खराब। हाँ, 6 से 7 है बस। मोर था वो भाग गया उधर। अरे यार वो शरीफ भाई आगे आगे जा रहे थे देखने के लिए, तो मोर भाग गया। तो गाइस चलो अब जल्दी जल्दी यहाँ से हम लोग उतरते हैं और डायरेक्ट रूम में मिलेंगे। डायरेक्ट रूम में मिलेंगे, मतलब काफी ज्यादा लेट हो गया है। कब हम लोग खत्म हो गए। हाँ, चार्ज भी खत्म हो चुके हैं, मतलब मोबाइल के 2 मोबाइल तो स्विच ऑफ पड़ गया और ये भी मोबाइल का चार्ज खत्म होने वाला है। तो अब जल्दी से हम लोग को रूम जाना पड़ेगा। गधे के पिल्ले दिख के, हाँ ये देखो गधा, दिस इज डोंकी। इनकी पिंकी पोंकी फादर इज द डोंकी। सो फाइनली गाइस हम लोग रूम पहुंच चुके हैं और बिल्कुल अंधेरा हो गया, 8 बज गया और 8:30 देख सकते हो कितना अंधेरा है। खाना वाना लेके आ गए, घूमते घूमते थक गए, पांव पूरा दर्द करने लगा। लाइट जलाओ। तो रूम पहुंच गए, अब जूता वूता खोल के थोड़े आराम करनी है। फैन भी चालू करो यार। बहुत ही स्पीड घूमता है। हाँ, देखा होगी रूम अभी होटल में बैठा, पूरा थक चुके हैं गाइस। तो बैठा होटल, अब खाना वाना भी ले आए। अगर अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, बाय बाय।